दर्शन उसी रूप में पाए रे। नदियों का नीर जैसे सिंधु में समाए, वैसे मेरा भक्त अंतता हम। प्रीति राणा जी, और आप सबको मिला के 6 लाख या 8 लाख होंगे ना? तो भाई देख रहे हो ना, एक फैमिली में 8 लाख सब्सक्राइबर और 1 मिलियन, 1 मिलियन नहीं, 3 मिलियन हो जाएंगे उसके बाद। फिर ठीक हो गया। तो अभी इधर में तो हमारे आलोक राणा जी मिल चुके हैं और उनकी सिस्टर प्रीति राणा जी। तो और कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। और आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप लोग किस्मत अच्छी है कि, हाँ जी, मैं वही सोच रहा हूँ कि महादेव ने हमारे ऊपर किस्मत अच्छी बरसाई रास्ते पर। जैसे ही, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भैया, और हमारे साथ है ट्रैवलर द कबीरा, और अभी हम है केदारनाथ ट्रैक करने में। स्टार्ट हो गया हमारा केदारनाथ ट्रैक, स्टार्ट हो गया। तो हमारे भाई लोग आ रहे पीछे से, एक भाई आगे चले गए। तो भाई मिलते हैं ट्रैक में, और क्या क्या होता है दिखाते हैं आपको ट्रैक में, और क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या अच्छा होता है, क्या 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 दिखता है, सब कुछ दिखाते हैं। और हमारे साथ आज है रोहित दा, रज दा, हिमांशु दा, और पीछे दा आलोक दा, और प्रीति दीदी। प्रीति दीदी कब तक आएगी? तो रास्ते में ट्रैक में आपको प्यारे प्यारे स्रोत मिलते रहेंगे और झरने मिलते रहेंगे। और भाई ये जो खच्चर और घोड़े हैं, इनके चक्कर से ना पैदल वालों को भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि इस रास्ते में भाई भीड़ बहुत होती है। और तो और अचानक से पता नहीं क्या हरकतें करने लग जाते हैं। एक दो बार हो गया, अब तो मैं किनारे चलूँगा। इस तरफ को चलो तो पत्थर गिरने का डर, उस तरफ को चलो तो खाई से गिरने का डर। तो देखो भाई क्या है दिक्कत। अभी तो भाई लोग रुके हुए, पता नहीं कहाँ हैं। चल रहा ब्लॉग, हेलो अलग भैया, मोबाइल से चल रहा ब्लॉग। बारिश भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे जल्दी चलो, जल्दी चलो। लेकिन चल नहीं रहे, पागल जैसे चलना चाहिए इन लोगों को, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। इसी हो गया। फ्लेट्स नहीं आते वाले, वो तो बोल रहे फ्लेट्स नहीं आते, मगर आ गया उनको। अरे डर गया ना, आगे से गिर भी गया, घोड़ा भी आगे मुंह के सामने। ये दोनों एक ही बैठे थे क्या? अलग अलग बैठे थे भैया। ज्यादा भीड़ मत लगा, और घबराहट सी होगी। और वो घोड़ा वाला तो गायब ही हो गया, एक घोड़ा बचा है यहाँ पे। भाई मेरे जस्ट पीछे, ज्यादा घबराओ मत, थोड़ा बढ़िया सा दोस्तों, मैंने इससे पहले कुछ पहले कह ही रहा था कि घोड़ों के कारण इतना प्रॉब्लम होती है, तो भाई ट्रैक के कारण बहुत दिक्कतें होती है। तो भाई अभी बंदा तो सही हो गया, तो उसको फ्लेट्स भी नहीं आते थे, मतलब कुछ भी नहीं आते थे। तो उसको बीपी हाई या बीपी लो में ऐसा कुछ हो गया था, तो सही हो गया, अभी नॉर्मल हो गया, महादेव का आशीर्वाद है बस। तो आए थे, अब तो वापस जाएंगे फ्लेट्स बेचारे, कोई टेंशन नहीं है। बस दोस्तों, कुछ 2 किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ी सी खाई आती है, और साथ ही साथ में एक हेलीपैड है जो 2 किलोमीटर में मिल जाएगा आपको। भाई मेरा फेस देखो, और कितना गर्म हो रहा है भाई ट्रैक में।
तो अभी तो मैं मेरा मन करा पूरा नंगा होके कपड़े उतार के चेंज कर दूँ। तो वो लोग तो चले ही होंगे यार वापस, भगवान कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार करना उनका। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। दोस्तों अभी मैंने कपड़े वपड़े उतारे थे और यहाँ पे भाई ऐसा करके, तो ये रुपाई वाला सीन है। पीछे वाली दीदी बोल रही है, क्या दीदी सच्ची में रुपाई वाला सीन लग रहा है? सच्ची में यार रुपाई वाला कह दिया। यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं हम, खेत में रुपाई भी तो लगाते हैं। मैंने कहाँ लगाई हुई रास्ता ना, मेरे को क्या पता था ऐसी ही होती है। अरे लड़ने की है, रुको रुको यार, रुक जाओ। 10 रुपए का सब मत कर रहा है। गोविंदा सर यहाँ लोग आ रहे हैं, ठीक है? बदनाम करा के रखा है हैंगर। ते महादेव करके नशे करके यहाँ आ रहे, कोई मतलब बनता है? लड़ाई कर रहे हैं हैंगर पीछे रास्ते पे, ऐसी बदनामी करा रखी है। कुछ 3 किलोमीटर के बाद ये शेल्टर मिला। शेल्टर मिलने के बाद जो हमारा हमारा जो भोगी था, जिसके पास हमारा सामान था खाने पीने का, वो इतना तेज कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल नहीं रहा। तो देखो हमारे बड़े भाई लोग, रोहित पाड़ियों कैसे गाना पड़ रहा है, रोहित पाड़ियों कैसे गाना पड़ रहा है। रोहित भाई को देख रहा हूँ, पाले जी और पानी से काम चलाना पड़ रहा है यार। चाय वाय नहीं थी क्या आपके पास? क्या चाय दादा? चाय चाय पीएंगे हम तीनों, उतने उतने। दोस्तों महादेव की कृपा से यहाँ पे भाई धूप भी आ गई द्वार से, बारिश का मौसम हो गया था पूरा का पूरा। और ये देखो दोस्तों, कम से कम 8 किलोमीटर चलने के बाद एक आपको वाटरफॉल मिलेगा, जो कि ग्लेशियर पिघल के आ रहा है पूरा का पूरा, और वहीं का पानी हम पीने जा रहे हैं। बहुत ही ठंडा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आगे है रामबाड़ा, और रामबाड़ा के जाते हैं 2 रास्ते। तो गाइस एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, जिसको बताया भैया ने कि ये जो रास्ते में हम चल रहे हैं वो रास्ता शॉर्ट है। तो गाइस आपको अगर शॉर्ट जाना है तो ये वाले रास्ते से आना, और लॉन्ग जाना है तो वाले रास्ते से जाना, ठीक है? वैसे आप शॉर्ट ही रास्ता चूज़ करोगे 8-6 किलोमीटर चलने के बाद। गाइस आ चुके हैं। अच्छा सच्ची में हमें भी ले लो इस वीडियो में। कौन सा ब्लॉग है इनका? ये तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं है। वाइट स्टूडियो खोलो अपना। सिंगल ट्रेवल करती हूँ, पहले से स्कूटी से हर जगह सिंगल जाती हूँ, स्कूटी से ही करती हूँ। तो मैं वैसे तो मेरा चमोली से है। हाँ। और मेरी पैदाइश ही उत्तरकाशी हुई है, एजुकेशन देहरादून हुई है, और मैं भी यमुनोत्री हो गया मेरा, वो स्कूटी से सिंगल अपना बॉयज लुक में, वो बता नहीं सकता की। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? टीचिंग में है, टीचर है। तो कोई सपोर्ट करते होंगे आपको घूमने से? फैमिली का मेरा पेरेंट्स का जो है वो पहली से सपोर्टिंग है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा शादी मेरा दोस्तों रोहित आएगा तो दोस्त मिलते रहते हैं मेरे को अभी तो बस 2 दिन। दोस्तों देखो आमा बुबू सब लोग आए हैं, और रोहित आके दोस्त मिल गई थी, और उसके बाद भाई आमा बुबू आ सकते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते हो? जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने आने वाले वो सब लोग आएंगे यार। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि यहाँ तक पहुँच जाए। बहुत बढ़िया सफ़र हो रहा है यार, और मज़ा आ गया है भाई। लोग ये कपूर सूंघ रहे हैं, कपूर से होता क्या? ऐसे थकान दूर हो जाती है, थकान दूर हो जाती है। तो दोस्तों कपूर सूंघते हैं थोड़े देर भैया का छील लेके। हाँ एक पीस देना है इसका। कुछ फील हुआ मेरे को भी तभी। हाँ कुछ फील हुआ मेरे को भी, निकल नहीं रहा। आमा लोग मिल गए थे। आमा कहाँ से हो? कहाँ से?
टीरी गढ़वाल मुंबई में। अच्छा रहते मुंबई में, तो थकावट बिल्कुल आपको देख के ना हमें थकावट। मुंबई 65 एज यार बढ़िया है। नहीं भाई हिमांशु मिल चुका है भाई। ये अगर तुम्हें ना बंदा चाहिए सस्ते में पिट्ठू में तो भाई इसको ले लो भाई, बहुत खतरनाक है। खाली सरकारी नौकरी के पीछे कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तू। तुम मेरे साथ आए तो दोस्तों यार जब मैं ना छोटा था ना, मतलब छोटे का मतलब 5 साल या 10 साल तक, तो देखा था मैंने तब देखा था इस चौक, तब तो मम्मी पता नहीं क्या सीखते ऐसे से कर तो भाई। और उस दिन के बाद आज मिला है, लेकिन ये उस समय मिट्टी तेल कैरोसिन ऑयल से चलता था, आज ये चल रहा है डीजल से। तो अभी चाय पीते हैं उसके बाद चलते यार यहाँ से। तो दोस्तों मंदिर कुछ 3 किलोमीटर दूर था, वो है आगे, और चलते चलते भाई बर्फ़ गिरने लग गई और हाथ हाथ में पिघल भी जा रही है। तो दोस्तों रोहित दा की दोस्त मिली थी जिनका नाम है प्रीति रावत, तो ये प्रीति रावत जी है हमारे गढ़वाल से और अभी रहते हैं देहरादून में रहते। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत बताया तो इन्होंने भी बोला हाँ भैया फ्रॉड वाला काम बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, सही बात है। हाँ फ्रॉड और चलता है हाँ, कि जॉब के पर्पस से हाँ इंसान की होती है जिसकी मजबूरी होती है, जैसे बात वो जॉब 10-12 हज़ार वाली नौकरी के लिए चले जाता है वो हाँ, बाद में उन्हें बोला जाता है वेरिफिकेशन में 3,000-3,500 जो भी है वो लेके फिर बोलते इंटरव्यू दो हाँ। वही हुआ मेरे दोस्तों के साथ यही, लेकिन मैंने उससे बात करी जो वहाँ की लड़की थी हेड, तो मैंने बोला ये चीज मुझे मत बताओ ठीक है ना exactly। और 3,000 रुपये तुम किस चीज़ कर ले रहे हो, बोले वेरिफिकेशन। मतलब रहने दो भैया हमारी जो 3,000 रुपये वहाँ जाएंगे 3,000 रुपये का ना ड्यूटी व्यूटी ढूंढ के स्टैंड वैंड दे के रह लेंगे एक महीना ठीक है हाँ। तो दोस्तों अगर आप देहरादून इस पर्पज से जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, झूठ बोलते हैं। अगर कोई सग्गा रिश्तेदार बोल रहा है सग्गा वाला भाई सग्गा वाला तभी जाना ठीक है हाँ। कच्चा ताव वाले में तो बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। यहाँ से अभी है केदारनाथ कुछ 1.5 किलोमीटर और अभी भाई बराबर आ गया है और यहाँ पे खचर वचर सारे ये खड़ा है और देख रहा भाई आगे बर्फ़ गिरी हुई है और जो उस समय बर्फ़ जैसी गिर रही थी वो बर्फ़ नहीं थी वो थी बारिश, जिसके वजह से अभी यहाँ पे चल रहा है -1 डिग्री। तो जब वो -8 में चले जाएगा तब पूरी बर्फ़ गिरने लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आप आते हो तो गरम कपड़े लाना यार, और क्या पता रूम वूम मिले ना मिले, टेंट मिले या ना मिले। तो दोस्तों मंदिर दिखने लग गया है, 3 लाइट दिख रही होगी आपको, वही है हमारा मंदिर। तो दोस्तों हमारे रूरल टेल्स मिल चुके हैं जो यहाँ के अपडेट देते रहते हैं। बहुत जवान फिसल रही मेरी ठंडे के कारण, और कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ और आप लोग? थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग किस्मत अच्छी है कि हाँ जी मैं वही सोच रहा हूँ कि महादेव ने हमारे ऊपर किस्मत अच्छी बरसाई, रास्ते पर जैसे ही हम बैठ रहे तब बारिश हो रही है, तो दिन भर बर्फबारी कल है कल थी नहीं आने वाले जो कल आने वाले कल है हम देख कर जाएंगे इसका मतलब हाँ, पूरी बर्फ स्नो मिलेगी आपको हाँ जी हाँ जी अच्छा व्यू मिलेगा हाँ जी, और यंग लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं हाँ ये तो है, बर्फ की कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन ये जो अपने हॉट और जीव है ना लड़खड़ा रही है। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, थोड़ी देर में अभी हम आगे जा रहे हैं, आप जरूर आके दर्शन करके जरूर आएंगे यहाँ पे आपके साथ। कितने समय से आप यहाँ पे? मैं अभी कुछ दिन पहले आया था, मई जून में 2 महीने रहा मैं आपका गाँव, उसके बाद बीच में बरसात में आया हाँ जी, बरसात में काफी जगह और भी गया जैसे इधर मनीणी की तरफ गया, ये जो हाँ चौमासी से तो कल आपकी ना जब आपकी 5,000 व्यू गए थे ना अचानक से हाँ। तो मैंने उसमें डायरेक्ट यूट्यूब में चेक करा तो मेरे को फाटा में पता चला आपके, फिर मैंने देखा अरे भाई ये तो पूरा केदारनाथ। तो वही तो केदारनाथ अपडेट चाहिए ना, तो रूरल टेल्स को सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहे। तो दोस्तों आज केदारनाथ की सीढ़ी चढ़ने का मौका ही मिल गया है यहाँ पे। ओके ये देखो
सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आगे हमारा मंदिर है। वाह, और ये समय में हमें भीड़ नहीं मिली, दर्शन आसानी से हो गए। बस छोटा सा ट्रैक रहा, ट्रैक हमने चला और चलते चलते हम केदारनाथ पहुँच चुके। तो दोस्तों दिखाते हैं अब केदारनाथ, फिर उसके बाद चलते हैं टेंट हाउस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, भाई हर हर महादेव। से कम मिलता है और चलो जाए क्या हुआ दर्शन करने, कैसे करेंगे भाई? चलो बाद कैसे करेंगे, चप्पल भी ढीले हो रहे होंगे ना वहाँ पे। तो दोस्तों अभी लग गया हूँ मैं लाइन पे केदारनाथ, और केदारनाथ धाम के दर्शन करने अभी, और लाइन में लगना जरूरी है, और ज़बरदस्ती तो नहीं करते हम, लाइन में लगना जरूरी है। और पाँव पाँव देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो देखो भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, दर्शन करने के मौके मिल गए, वाह ओ भाई। तो दोस्तों अभी हमारे हिमांशु भाई की वजह से आज नाम मिलते हुए भी आरती मिल गई, और भाई ये मजा आ गया भाई, और बहुत मन वो पत्थर है केदारनाथ। आगे जो ये पत्थर है ना भाई, यह है भीमशिला, और भीमशिला ने पूरा केदारनाथ मंदिर को, मतलब यहाँ से ना पानी डिवाइड हो गया था, मतलब ना ऐसे ही होता ना कुछ, पूरी बाढ़ को उसने रोक दिया, बाड़ी हाँ अच्छा। और भाई छोटे से पत्थर ने ना, ओ यार ये भाई देखो बहुत से पत्थर ऐसे लुढ़क लुढ़क के ऊपर पहाड़ों से गिर के आ जाते हैं। ये पत्थर ने अपने मंदिर को बचाया था, देखो भाई देखो। तो भाई हिमांशु भाई बहुत शुक्रिया भाई, फर्स्ट टाइम था मेरा, और भाई अब देखो लाइन, और तब की देखी थी ना आपने लाइन, लाइन में हम यहाँ स्टार्ट हो गए थे, किसी को नहीं पता था, पहले पहले सब नए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है सभी नए हैं। और देखो भाई अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी बस यहाँ से गैलरी से हम अंदर गए थे, और यहाँ से गैलरी से पार। तो भाई थैंक यू भाई हिमांशु भाई यार, तो दोस्तों दर्शन दर्शन कर लिए और प्यार से थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लिया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ट्रैक का, केदारनाथ का ट्रैक कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।